नमस्कार दोस्तों, कोटडा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनोद, और फिलहाल आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों के बीच में मैं हूं। और आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने वाला हूं, एक ऐसे विद्यार्थी से मिलवाने वाला हूं जो कि कोटडा तहसील की सभी स्कूलों में से कक्षा 12वीं के कला वर्ग में टॉपर बने हैं, यानी कि सबसे पहले नंबर पर है पूरी कोटडा की आर्ट्स के सब्जेक्ट में। और उनका जो गांव है वो कोटडा तहसील की ददमटा पंचायत के साठवारिया गांव में है, और इनका जो घर है वो पहाड़ी पर है। आप देख सकते हैं इनके घर को। और साथ ही साथ में हमारे साथ जो विद्यार्थी ददमटा स्कूल से और साठवारिया गांव का है और पूरे कोटडा में पहले नंबर पर आया है वो भी है, उसके साथ में माता पिता भी है। हम उनसे बातचीत करेंगे, और ईश्वर को कैसा लग रहा है, उनके माता पिता को कैसा लग रहा है वो हम उनसे जानेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको नाम तो बता ही दिया कि पूरी कोटडा तहसील की सारी स्कूलों में सबसे पहले नंबर पर ईश्वर लाल खैर, जो कि ईश्वर लाल खैर जिनके पापा का नाम है मोहनलाल खैर और उनकी माता का नाम है लीला देवी। तो अभी हम ईश्वर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले ईश्वर कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, 12वीं में अच्छी परसेंटेज आए हैं, मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। थोड़ा नीचे उतरेंगे। तो जैसा कि आपने पूरी कोटडा तहसील में आप सबसे पहले नंबर पर है, तो आपको अच्छा भी लग रहा है। तो आप कैसे पढ़ाई करते थे? मैं सुबह पढ़ता था 2 घंटे, और रात को भी 10 बजे तक पढ़ता था। मेरे 12 बजे तक कोई पढ़ने का टाइम नहीं था। मैं कभी कभी मेहनत लगता तो पढ़ लेता था, लेकिन मैं सुबह 2 घंटे पढ़ता था और रात को 8-10 बजे तक पढ़ता था। ईश्वर, जैसा कि आपने बताया कि आप केवल सुबह पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे, और आपको आपकी मैडम ने प्रेरित किया, क्या कहते थे मैडम? बेटा पढ़ना, तेरी तो कहीं कहीं लग जाएगी, तू बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तू पढ़ता है, तेरा दिमाग भी लगता है, वो बोल रही थी मुझे। अच्छा, तो आपके घर से आपकी स्कूल कितनी दूर है? 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर है। तो आप कैसे जाते थे? गाड़ी में बैठ के, और कभी चल के जाते थे। अच्छा, और आपकी स्कूल का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ददमटा। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिलता था? परिवार से, स्कूल से, या आपके दोस्तों से, या कैसे? मुझे सपोर्ट तो वैसे सब देते थे, ये सारे लोग हैं ये मुझे देते थे, लेकिन मैडम और गुरुजी मुझे सब कहते थे बेटा पढ़ना, और माता पिता भी कहते थे पढ़ना बेटा। आपके घर में आप कितने भाई बहन हैं? हम 7 भाई हैं, बहन नहीं है। अच्छा, तो पढ़ाई सब करते हैं? हाँ सब करते हैं, लेकिन छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं। तो आप आगे कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं? मैं, मेरे पास जितने खर्चा हो सकेगा मैं जहाँ तक पढ़ूंगा। अभी BSTC का फॉर्म भरवाया है कि उसका मैं एग्जाम देने जाने वाला हूँ 26 को। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि भारत के लिए अच्छे नागरिक करने का मुझे गर्व प्राप्त है। ओके, अच्छी बात है। और आपके मम्मी पापा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा ने मुझे खर्चा दिया, उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और आपको बहुत सारे आपके जैसे और युवा साथी सुन रहे हैं, आपके दोस्त भी सुन रहे होंगे, जिनके शायद कम नंबर बने, उन्हें दुख भी हो रहा होगा, और कई के अच्छे बने, उन्हें अच्छा भी लग रहा होगा। तो उन सभी दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो भी थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान दे, और मेरे जैसे नहीं लाए तो कम से कम 60-70 तो लाए, उसके लिए मेरा ये कहना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे ईश्वर, और अभी हम बातचीत करेंगे इनके पापा और मम्मी से। इनके पापा है मोहन लाल खैर, उनसे बात करेंगे। मोहन लाल जी नमस्ते। तो हमार ईश्वर जी है वहाँ की कोटडा तहसील में पहला नंबर ऊपर आ जाओ, आखिर 30 ने 2 स्कूलों में इतनी हरी स्कूलों में पहला नंबर लावनो, कोई मतलब खावन को है नहीं, मतलब कित रुपैन तो है वो तो मैं ठा नहीं, क्योंकि मुँह तो आज पहले पे राजो तो थे मैं के वो लागे रह जाओ। धन्यवाद, कोई भी तो मजदूरी करतो, कोई एंड तो जातो, कोई गाड़ी में जातो, इन कह रही ने मार पेण आवियो है ते हमार सही आयो है इन लगा है मई ते केणहारा मतलब आइन बाई में सारे के पेण तो नौकरी तो लागती नहीं, हूं कह रहा पेण आवे ते
था मैं किम लागे ना ए वो नहीं लाग तुम्हें मार जे जे क्या रीन जे जे को में लाग आरवानो है जे मिनो टुंको है जीवना नी कोई तकलीफ है ते ए में मैं लागे था मैं पहने लाओ के ना अच्छा ते इस बार तो था मार कैर मा हरा मोटो सो रहा है बिना बात सोवे रह सो रहा है तो था मार सो रही तो कैर मा नहीं इम था मैं कोई दुख भी जो है के ते सोरी तो एक ओ काइम लागे ओ बने के काई सोरी खैरिये मो नी सोरी ते सोरियां वे नाते मारे खलाएं कोई भी तकलीफ से हारी बात नहीं थे के कहनिया जे सुखी में सुख मेला तो हमारा जिम्मा शांति लगे ये मुँह लगे ठीक है ते ऐसे हमार कह रहा लाइट तो है नहीं मुँह बार ये रहूं ते लाइट वगैरह थे हमार कीम करें इस बार पहन तो हो ते कोई दीवाले याल तो कोई सेमनी मातेल पूर तो इम क्या रीने मैं पहन आवियो ते अगल की तरह कुछ पहना होना ते अब दो पेन बाबालो जोने हो खैर सो दो काट गया है तो सैलरी है तो सैलरी बनाने विचार है जब तक नौकरी नहीं लागे तो हमारे पेन बनाने विचार है मोटो है तो एना ही है सुख मानो किया तो बहुत लोग कहते क्या कर दी एनी रहते हैं हमारे दिमाग लग गया ही है ते इस बार तो था हमारे खैर महारा मोटो है ठीक है ते ओ पेन ही ते बीजा सो रहे थे मतलब हाँ बीजा सो रहे थे कदी क्लाइंट माले ही वाटे काल ही ये मुला गया है माई ठीक है ते ए बार थे मैं कहना हरा मन भी येरी रह जा है होप लेते रह जा है ते जिम थे मैं कॉम भी जो हूँ कह रहा हूँ ए मैं तो कोई गम कह तो नहीं हूँ खेती कह रही है मजूरी कह रही है नहीं हूँ कह रही है बारह जाए कोई बेटा का बीने मांग को डोगरा बीने मंदी मुंह करिए ठीक है ते सरकार तरफ ही किनी कर कहनी हरी सेंस तो कम कह रहे है पहनावना वास्ते कम कह रहे जिन्हें मदद नहीं जरूर है बिना मदद कर रहे ते थे मो मतलब सरकार ही के बीजा जिस सेंस तो बिना ही हूँ मदद सही रह जाता हमार ईश्वर वास्ते थे हमार के अरवास्ते बीजा सोर वास्ते वी के विरित मदद करे ईश्वर पहनावना माँ यार तो भी सुझाने आए बनिया कोई कोई भी कोई भी कोई कहनिया अरे सुख मेला एनी रीत ने वास कहनिया मैं दे दहाई रहा यहाँ ये सोरा इतना है ते सोरा ही तकलीफ है ते तकलीफ है जमी भी टू की है ते और बेना मुझे सो हाथ लड़का है तो क्या बाबा मांगू के मारे सोकरा दुख पर ही गया खेतर एक है तो मतलब मार के भी दी तजीवर वा तो मैं इंसान आता हूँ के बेना मुझे लेकिन छोटा मोटा काम छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे जीवता रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो जीवता रहे हैं ये मौका नहीं होगा रहा पौन साले तो तो दिख रहा ही हमारे सुख माले वाना है ये वो विचार है हमारे है ठीक है तो दोस्तों हमारे साथ लीला देवी और मोहनलाल जो कि ईश्वर के मम्मी पापा हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा और उनका कहना है कि वे अपने बेटे ईश्वर को बहुत जहां तक पढ़ा सकते हैं पढ़ाने की कोशिश करेंगे खर्चा करके और साथ ही साथ में ईश्वर पढ़ेगा तो उसके और भाइयों को पढ़ा सकता है ऐसा भी कहना है और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में उन्होंने ये भी मैंने पूछा कि बाकी संस्थाएं हैं सरकार की ओर से क्या मदद होनी चाहिए तो अगर सरकार या जो संस्थाएं हैं वो इनकी मदद करती है तो शायद इस तरह के जो बच्चे पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं इनके घर में लाइट नहीं है इसके बावजूद भी कोटड़ा तहसील की सभी स्कूलों में से पहले नंबर पर आना बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग भी है और सोच भी नहीं सकते कि कैसे आ सकता है कितनी मेहनत की होगी ये तो ईश्वर ही जानता है लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ईश्वर के बारे में ईश्वर के घर के बारे में हम भी बोलना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ईश्वर की जानकारी मिल सकती है और दोस्तों साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे ईश्वर के कुछ दोस्त हैं जो कि इन्हीं के गांव से वो भी कुछ कहना चाहते हैं उनसे बातचीत करेंगे नमस्ते नमस्ते जी आपका नाम क्या है मेरा नाम सोहन लाल खैर BA LLB मैं ईश्वर का दोस्त हूँ और ईश्वर को मैं शुरुआत से जानता हूँ यह कक्षा एक से पाँच तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साढ़मारिया में पढ़ता था वहाँ से पांचवी पास करके गांव कोलिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलिया में उसने एडमिशन लिया वहाँ पे 55% से आठवीं में पास हुआ और वहाँ से कक्षा नौ में धदमता स्कूल में एडमिशन लिया दसवीं कक्षा में 55% से पास की उसके बाद उसने मतलब 12वीं का एग्जाम दिया उसमें मतलब 80.40% से पास हुआ इसके लिए ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई है और मैं जब भी स्कूल में जाता और मतलब इन दोस्तों से मिलता और हमेशा के लिए यह राय देता कि पढ़ाई करो
पढ़ाई वो चीज है जो मानव को एक इंसान बना देती है। इसलिए मैं इन हर दोस्तों से स्कूल में जाके और टीचरों से मतलब मेहनत के लिए हमेशा के लिए बोलता था। इसके लिए हमारे कोटड़ा तहसील को लेकर हमारे गांव पंचायत में इतनी उज्जवल भविष्य को इतिहास में रच दिया है। इसलिए मैं ईश्वर दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई है। ऐसे ही हमारे गांव में बच्चों को ईश्वर भाई भी दूसरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ थे सोहनलाल। सोहनलाल ने बताया कि किस तरीके से ईश्वर ने इस मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों 80% बनाना बहुत ही एक तरह से अलग बात है जो कि हर कोई बच्चा नहीं बना सकता है, और मैं तो ये कहूँगा कि हर बच्चा बना सकता है, बस लगन से उसको पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए, ताकि ईश्वर की जो कहानी है, ईश्वर अपने घर में साथ भाई बहनों के साथ भाइयों के साथ रहता है, उसके मम्मी पापा रहते हैं, और साथ ही साथ में उसका घर जो है वो पहाड़ी पर है, करीबन 5 किलोमीटर चल के और कभी गाड़ियों में स्कूल जाता था, और अब आगे वो BSTC की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम भी देने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि उनका जो आगे का भविष्य है वो उज्जवल हो, और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो कोटड़ा तहसील में 1st डिवीज़न पर आया है उन बच्चों की लेकर। और तब तक के लिए नमस्कार।